राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। आज है कार्तिक मास का 11वां अध्याय, जो इस प्रकार है, जिसको जपकर जीव हो भवसागर से पार। 11वें अध्याय का वशिष्ठ करें विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब देवते भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुर द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए, उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दमसर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था, वह शीघ्र ही इंद्र का सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता दम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वत को मेरी अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु देवतों की रक्षा की, इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह देवते क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरम्भ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों देवते उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र ने से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मर्त संजीवनी विद्या और गुरु देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित है? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री गुरु शुक्राचार्य ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री गुरु शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग
अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। ये थी कार्तिक मास का 11वां अध्याय। भक्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधा रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे भक्तों।